बिहार के गया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, और जहां आक्रोशित भीड़ ने एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया। खबरों के अनुसार एक बाइक सवार दंपत्ति को ट्रक ने कुचल दिया था, और इस तेज रफ्तार ट्रक से कुचलकर पत्नी की मौत हो गई, तो वहीं पति की हालत नाजुक बताई जा रही है। और इस दंपत्ति के साथ एक छोटा बच्चा भी था जो दूर जा गिरा, और बच्चा भी अभी जख्मी है। बता दें कि यह घटना न्यू करीमगंज डेल्हा पुल के पास की है, और घटना के बाद ड्राइवर कुछ दूर तक ट्रक को ले गया और फिर गाड़ी को वहीं छोड़कर फरार हो गया। वहीं दुर्घटना इतनी हृदय विदारक थी, जिसने भी देखा वो आग बबूला हो गए, और स्थानीय लोगों ने सड़क पर जमकर हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच कुछ लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया, और देखते ही देखते ट्रक आग के शोले में तब्दील हो गया। वहीं घटना के बाद करीमगंज पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया गया। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए कोबरा पोस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।